नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएफ नंबर कैसे पता करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी में आपने काम किया है, काम छोड़ दिया है, आपको पीएफ नंबर पता नहीं है, तो कैसे आपको पीएफ नंबर मिलेगा, कैसे आप जो यूएन एक्टिवेट करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने किसी भी कंपनी में 6 महीने या आपने 1 साल या 2 साल काम कर लिया है, आपको पीएफ नंबर पता नहीं है, कंपनी ने आपको पीएफ नंबर नहीं दिया है, आपको यूएन नंबर पता नहीं है, तो कैसे आपको यूएन नंबर मिलेगा, इस वीडियो में लाइव हमने आपको यूएन नंबर निकाल कर दिखाया है। तो पीएफ नंबर आप बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका क्या पीएफ नंबर है। तो चलिए आपको बताते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको पीएफ होम लिख के सर्च करना है गूगल में, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेंबर होम वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिए 3 डॉट दिखेगा। यहाँ पे आपको देखने को एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इसे आप ऑन कर दीजिएगा अपने फ़ोन में, ठीक है। डेस्कटॉप साइट ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जिसका यूएन एक्टिवेट हो चुका है, यूएन नंबर पता है, मतलब पीएफ नंबर मालूम है, तो आप पीएफ नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें अभी पीएफ नंबर मालूम नहीं है, कंपनी में हमने काम किया और छोड़ दिया, ठीक है। तो पीएफ नंबर जानने के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यूएन एक्टिवेट नाउ योर यूएन नंबर, ठीक है, नाउ योर यूएन नंबर जो है इस पर आपको क्लिक करना है दूसरा नंबर पर, ठीक है। अब दूसरा नंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस वाले कैप्चा कोड को नीचे फिलअप करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे, जो आपने कंपनी में काम किया था उसी नंबर को यहाँ पे देना है, ऐसा नहीं कि आपने कंपनी में कोई और नंबर दिया है और यहाँ पर कोई और नंबर आप देंगे, इसीलिए आप जो कंपनी में मोबाइल नंबर दिए थे उसी नंबर को यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा इसमें भर देना है। जैसे कि कैप्चा है यहाँ पे स्मॉल है आई, उसके बाद पी एस है, पी है कैपिटल है, यहाँ पे पी हम कैपिटल देंगे, और फिर जो है यहाँ पे एस है स्मॉल और आर है कैपिटल, उसके बाद फिर लास्ट में है 4, तो 4 तो ये नॉर्मल है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे ये कैप्चा डाल दिया और फिर हम यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर टाइप करके और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और ओके पे क्लिक कर देना है। जो भी ओटीपी आपके नंबर पे आएगा इस वाले बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी जो आएगा आपका इंटर ओटीपी, ठीक है, इंटर ओटीपी वाले में क्लिक करना है और जो नंबर पे ओटीपी आपको मिला है वही ओटीपी आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे 60171717 और 06 ओटीपी आया था, ओटीपी हमने पहले वाली बॉक्स में दे दिया है। फिर यहाँ पे जो है कैप्चा आपको दोबारा देना है, जैसे कि LD कैपिटल में है, यहाँ पे L और D कैपिटल में है, उसके बाद P स्मॉल है, एच स्मॉल है, और फिर यहाँ पे 9 भी यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 हमने दे दिया और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों लाइव आपको बताया जा रहा है, ओटीपी वैलिडेट कर दिया गया है सक्सेसफुल और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे जो आधार कार्ड में है और आप अपना DO भी देंगे, आपको जो DO भी देंगे वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है, नेम और DOB पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर जब ओपन होगा यहाँ से कैलेंडर से आपको DOB लेना है, यहाँ पे आपको जो है मार्च फरवरी इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैंने 1/1/1998 डाला DOB, फिर हम इंटर योर नेम करेंगे और फिर यहाँ पे हमें आधार नंबर भी देना मैनीडेटरी है, क्योंकि हमें UN नंबर पता नहीं है, हम खुद से UN नंबर पता कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम और आधार नंबर, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड इस बॉक्स में देंगे और फिर शो माय यूएन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें भर लेते हैं।
जैसे आप शो माई यूएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट आपको बोलेगा, कुछ सेकेंड आपको वेट करना है अब, और आपका जो है यूएन नंबर मिल जाएगा। सो गाइज आपका यही है यूएन नंबर, और आप इसका स्क्रीनशॉट या आप कहीं पे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कितना आसान और इजी तरीका है, बिना कंपनी से कॉन्टैक्ट किए आप अपना यूएन नंबर जान सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा।